खेड़ेकर होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड पुरणपोली। ये एक रोटी होती है जो कि खाने में मीठी होती है, इसलिए बहुत से लोग इसे मीठी रोटी के नाम से भी जानते हैं। ये महाराष्ट्र में बहुत से ओकेजन्स पर बनती है, जैसे होली हुई, दिवाली हुई, शादी हुई या फिर घर में कोई फंक्शन हुआ तो वहाँ पर भी ये बनाई जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं पूरण पोली बनाने के लिए लगने वाली सामग्री। देखिए, पूरण को बनाने के लिए हमने ली है चना दाल, जिसे हरभरे की दाल भी कहते हैं। ये हमने ली है 1.5 कटोरी, लगभग 250 ग्राम के करीब है। इसे हमने 2 घंटे पहले पानी में गला लिया था, जिससे कि ये कुकर में 2 से 3 सीटी में ही अच्छे से पक जाएगी। अगर आप गला नहीं पाते हैं किसी कारण से दाल को, तो कुकर में आप 5 से 6 सीटी ले लीजिए दाल, जिससे कि अच्छे से पक जाएगी। इसके अलावा हमने लिए हैं शक्कर 2 कटोरी, ये लगभग 250 ग्राम के करीब है। आप शक्कर की जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर शक्कर और गुड़ का कॉम्बिनेशन भी पूरण पोली के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है घी 1 चम्मच, जायफल और इलायची पाउडर हमने लिया है 1/4 चम्मच, नमक लिया है हमने 1/4 चम्मच। पूरण की आटे को बनाने के लिए हमने लिया है गेहूं का आटा 2 कटोरी, जो लगभग 200 ग्राम के करीब है। मैदा हमने लिया है 1/2 कटोरी, जो कि 50 ग्राम के करीब है। नमक हमने लिया है 1 चम्मच, और तेल हमने लिया है 2 चम्मच मोयन के लिए। अब पूरण पोली बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को कुकर में पका लेंगे। दाल को कुकर में पकाने के लिए मैंने सबसे पहले दाल को जिस पानी में गलाया था उस पानी को अलग कर लिया है दाल से। अब इस दाल को मैं साफ धुले कुकर में डाल दूंगी। अब इस दाल में मैं लगभग 4 कटोरी पानी डालूंगी। यहाँ पर मैंने सभी सामग्रियों के लिए इतनी बड़ी कटोरी का नाप लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। दाल मेरी लगभग जो 1.5 कटोरी थी, उसमें मैं 4 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे 2 से 3 सीटी तक पकाऊंगी। चूँकि ये मैंने 2 घंटे पहले गला दी थी, इसलिए मैं इसे सिर्फ 2 या 3 सीटी तक ही पकाऊंगी। और अगर आपने गलाई नहीं हो तो आप इसे कम से कम 5 से 6 सीटी इसकी ले लीजिएगा। पूरण की दाल हमारी जब तक पक रही है, तब तक हम आटा गूंथ कर रख देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा लेंगे। इसमें अब हम मैदा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच हमने जो तेल लिया था मोयन के लिए, वो ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल को हमें आटे में अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा जो आटा है एकदम सॉफ्ट बने। मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल डालकर। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथ लूँगी। आटा हमें सॉफ्ट गूँथना है। आटा हमारा जितना सॉफ्ट होगा उतनी अच्छी हमारी पूरण पोली बनकर रेडी होगी। ये देखिए, आटा हमारा गूँथकर तैयार है। ये हमने एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। अब हम इस पर तेल का हाथ लगाकर इसे सेट होने के लिए रख देते हैं 15 से 20 मिनट तक। तब तक दाल भी हमारी पक जाएगी और कुकर जैसे ठंडा हो जाएगा तब हम कुकर से दाल को निकाल लेंगे। तेल का हाथ हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आटे पर पपड़ी ना जमे।
अब मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। ये देखिए पूरन के लिए जो दाल हमने कुकर में पकने के लिए रखी थी वो रेडी हो चुकी है, ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा पानी छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। इस पानी का यूज़ हम आमटी बनाने के लिए या फिर कोई सब्ज़ी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ये देखिए पानी को हमने दाल से बिल्कुल अलग कर लिया है। अब मैं इसमें शक्कर मिक्स करूँगी। शक्कर इसमें ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दाल अभी गर्म है तो शक्कर इसमें हम डालेंगे, इससे ये पिघल जाएगी और हमें इसे अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप शक्कर की जगह गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो गुड़ भी आप इसमें डालकर रख सकते हैं। अब ये मिश्रण जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसे रख दिया है मिक्स करके, अब जैसे ये ठंडा होगा हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और शक्कर भी उसमें अच्छे से घुल गई है। अब मिक्सी के जार में हम इसे लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में घी गरम करने रखेंगे और उसमें हम इसे डालकर पकाएंगे। घी हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें दाल का पेस्ट डालूंगी। अब हम इसमें नमक और इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे हमें लगातार हिलाते रहना है ताकि जो दाल है वो हमारी कढ़ाई में ना चिपके, वरना ये जल सकती है और पूरन पूरी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है, गैस मध्यम ही रखेंगे हम। देखिए मिश्रण हमारा काफ़ी अच्छे से टाइट हो चुका है, इसका मतलब ये तैयार है पूरन पुली बनाने के लिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने से पूरन बनाने में आसानी रहेगी। ये देखिए पूरन हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना देंगे। ये लोइयां हम आटे की जो लोई बनाएंगे उसके अंदर भरेंगे। इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये लोई हमें उतनी ही बड़ी करनी है जितनी बड़ी कि हम आटे की लोई रखेंगे। ये देखिए मैंने बना ली इस तरीके से सारे की, आप बना के रख लीजिएगा ताकि रोटी बनाते समय जो ये आसानी से बन सके। ये देखिए सारे पूरन के हमने बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी पूरी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम तवा गरम करने रखते हैं। तवा हमने गरम करने रख दिया है। अब हम इसकी पूरी बेलेंगे। पूरी बेलने के लिए सबसे पहले हम आटे की छोटी सी लोई बना लेंगे। लोई हमें उतनी ही बनानी है जितनी कि हमने पूरन लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा आटा लगाकर इसे इस तरीके से करेंगे ताकि इसमें जो पूरन का भरावन है वो आ सके। अब हम इसमें पूरन रख का एक बाउल रख देंगे और उसे अच्छे से पैक कर देंगे। उसे से पैक करके आटे से लपेट के अब हम इसको बेल लेंगे। बेलते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे ही बेलना है ताकि पूरन पूरी फूटे नहीं, उसका मसाला अंदर से बाहर ना आए। बीच बीच में हम इस पर थोड़ा सा आटा भी लगाते रहेंगे बेलने के लिए,
और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। पूरन पोली को हमें बीच से मोटा रखना है और राइट साइड से हमें पतला बेलना है। देखिए पूरन पोली को हमने बेल लिया है। अब हम इसे जो हमने गरम तवा करने के लिए रखा था उस पर डालेंगे और इसे एक तरफ से सिकने देंगे। जब ये थोड़ी सिक जाएगी एक तरफ से, तब हम इसे पलटे की मदद से पलट लेंगे। अब हम इसे पलट लेते हैं और इसे दूसरी तरफ से भी थोड़ा पकने देते हैं। अब हम इस पर घी लगा लेते हैं। आप घी या फिर तेल का, दोनों का यूज़ कर सकते हैं, पर घी लगाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे पलट लेते हैं और पीछे की तरफ से भी इस पर घी लगा लेते हैं। अब हम इसे फिर से पलट लेंगे। इस तरीके से पलटे की मदद से इसे सब तरीके से प्रेस करेंगे ताकि पूरन पोली हमारी अच्छे से सिक जाए। इसे फिर से पलट लेते हैं। पूरन पोली हमारी बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारी पूरन पोली बनाएंगे। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हूँ। ये देखिए पूरन पोली हमारी बनकर तैयार है। पूरन पोली का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप इसे आमटी के साथ, गुड़ौनी के साथ, दूध के साथ या फिर मक्खन की तरह इस पर घी लगाकर भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।